पाकिस्तान के कराची में शुक्रवार 22 मई को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट PK8303 लैंडिंग से कुछ सेकंड्स पहले रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 90 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स की मौत हो चुकी है। माना जा रहा था कि फ्लाइट में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई है, लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जाको राखे साईयां मार सके ना कोई। इस प्लेन क्रैश में 2 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। इनमें से एक है बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट जफर मसूद और दूसरे है इंजीनियर मोहम्मद जुबेर। जफर मसूद का भारत से भी कनेक्शन है। वो पाकिजा फिल्म के डायरेक्टर कमाल अमरोही के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। दोनों को कराची के सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। जुबैर ने मीडिया को इस दर्दनाक हादसे का आंखों देखा हाल बताया है। उन्होंने बताया कि कराची के घनी आबादी वाले इलाके में जैसे ही प्लेन क्रैश होने वाला था, उन्हें चारों तरफ आग नजर आ रही थी। जुबैर ने बताया कि पायलट लैंडिंग के लिए नीचे आया और कुछ सेकंड्स के लिए टच डाउन भी किया। इसके बाद प्लेन ने फिर टेक ऑफ कर लिया। जुबैर ने बताया कि 10 मिनट तक उड़ने के बाद पायलट ने पैसेंजर्स को बताया कि वो लैंडिंग का दूसरा प्रयास करने जा रहा है। जुबैर ने बताया कि ईद मनाने के लिए कई परिवार लाहौर से कराची जा रहे थे। जिस तरह सफर रहा, उससे किसी को भी नहीं लगा था कि कोई दिक्कत होगी, बल्कि सभी को सेफ लैंडिंग की उम्मीद थी। इसी दूसरे प्रयास में जब प्लेन रनवे की तरफ बढ़ रहा था, तभी क्रैश हो गया। जुबैर ने कहा कि उन्हें बस चारों तरफ धुआं और आग नजर आ रही थी। उन्हें यात्रियों की चीखें भी सुनाई दे रही थी। चारों तरफ आग और धुएं के कारण वो किसी को देख नहीं पा रहे थे। जुबैर ने अपनी सीट बेल्ट खोली और अपने आप को बचाने के लिए 10 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा ली। इस फ्लाइट के पायलट का आखिरी ऑडियो भी सामने आया है। पायलट ने ATC को बताया था कि दोनों इंजन फेल हो गए हैं। खबरें हैं कि पाकिस्तान की मशहूर मॉडल जारा आबिद की भी इस हादसे में मौत हो गई है। हालांकि अभी उनके परिवार से कोई ऑफिशियल सूचना नहीं मिली है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लोकमत न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें।